वो पांच नंबर पर आया है और तीन चार वर्ष में, मैक्सिमम पांच वर्ष में धर्मेंद्र जी हम तीन नंबर पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आई हैव कम हियर टू थैंक यू। क्यों बोलो, ये जो अभी हम 11 से पांच आए, पांच से तीन आए, और उसके बाद और तीन चार वर्ष के बाद हम तीन पाएंगे, उसके बाद 10-15 मैक्सिमम 10 वर्ष में हम दो या एक पर आएंगे, मोदी जी के ऐसे जो दूरदृष्टि है उसके कारण। उसमें आपका योगदान बहुत है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाइएस्ट। ये मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर देश को आगे लेके जाना है तो इंडस्ट्री हो, इरिगेशन हो, घर में एसी के लिए हो, फैक्ट्री के लिए हो, सिग्नलिंग के लिए हो, और ट्रेन के लिए हो, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में रेल का जो विकास हो रहा है, अश्विनी जी बताया नहीं शायद उड़िया में, मैं समझा नहीं मुझे पता नहीं, जो कुछ भी इस देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसमें 50% से ज्यादा इस 8 वर्ष में हुआ है, more than 50%। ये सब जो इलेक्ट्रिफिकेशन ये सब हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन ज्यादा हो रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, मूलतः क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर। पॉलिटिकल पावर नहीं है, पावर बोले तो इलेक्ट्रिक पावर, पॉलिटिकल पावर आप मोदी जी के नेतृत्व में हमको दे दो, हम आपको इलेक्ट्रिक पावर सब कुछ दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ये सब डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। वो पावर दे रहे तो आपके कारण हमको पावर मिल रहा है देश को, क्योंकि कोयला से ही पावर उत्पादन होता है, आपके त्याग के कारण। मैं जानता हूं जब माइनिंग होता है बहुत मुश्किलें पैदा होता है, देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वो सब सहन करते हुए आप इस बार MCL 168 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है, और इसके लिए आपका सहयोग बहुत बड़ी मात्रा में हमको मिला है। और ये तीन चार साल पहले 19 से पहले और 15 से पहले कितना होता था, इधर 140 होता था 19 में, और 14 में होता था 80-90 मिलियन टन। अभी हम 168 मिलियन टन कर रहे हैं, और इस बार हम 190 मिलियन करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैंने अभी अभी हमारा ओपी सिंह साहब को कहा, बहुत अच्छे काम किया है, मैंने कहा इस बार आप 200 तक पहुंच जाओ। सो ये रिक्वायरमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, देश का जो रिक्वायरमेंट है वो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ओडिशा को भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जैसे अश्विनी जी बता रहे थे, पहले 800 करोड़ मिलता था ओडिशा को रेलवे डेवलपमेंट के लिए, अभी 10,000 करोड़ मिल रहे हैं, 10,000 करोड़।